पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, मगर किसानों का दर्द 100 गुना और कर दिया। उन्होंने कहा, ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश का किसान तबाह हो गया है, जिसको लेकर कमलनाथ ने कमेटी बनाकर खेतों में जाने का कार्यकर्ताओं नेताओं को निर्देश दिया है और उसकी रिपोर्ट जल्दी पीसीसी चीफ को सौंपने को कहा है। बदतर है। शिवराज सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। किसानों की आय दोगुना तो हुई नहीं और पूरा किसान कर्ज में डूब गया। आज स्थिति यह है कि लगभग 24-25 रुपए प्रतिदिन आय है किसान की और 74,000 रुपए हर किसान पे कर्जा है। कमलनाथ जी की सरकार थी तो 11,000 किसानों का, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ 11,000 करोड़ का और बिजली का बिल हाफ था। आज स्थिति यह है कि 78,533 करोड़ रुपए किसान कल्याण का खर्च नहीं हुआ, जो पैसा है वो सरेंडर करना पड़ा। ये हालत है और अभी एक ये नोटिस, ये ओलावृष्टि हो गई। ओलावृष्टि के बाद ये सहकारी बैंकों के नोटिस जा रहे हैं कि 28 तारीख तक अगर आपने ऋण अदायगी नहीं की तो 0% का जो लाभ मिलना है वो नहीं मिलेगा। ये पत्र है सीहोर जिले का, मुख्यमंत्री जी के जिले का, और ये है मैसेज प्रिय किसान भाइयों, 28 मार्च तक आप जमा कर दें, नहीं तो 0% का लाभ नहीं मिलेगा।